नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी सेवन न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रिया पिपलीवान। देखिए आज की विशेष खबर। कोरोना के संकट को देखते हुए मंदसौर इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को सुधारने व संसाधन जुटाने के लिए सभी राजनीतिक दलों व संस्थाओं को एकजुटता के साथ प्रयास करने चाहिए। शहर कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर एवं जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष बबीता सिंह तोमर ने की अपील। मंदसौर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संकट को देखते हुए मंदसौर इंदिरा गांधी चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को सुधारने व यहां पर संसाधन जुटाने के लिए सभी राजनीतिक दलों व संस्थाओं को एकजुटता के साथ प्रयास करने चाहिए। इस आशय की अपील शहर कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर एवं जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष बबीता सिंह तोमर ने सांसद सुधीर गुप्ता, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जगदीश देवड़ा, हरदीप सिंह डग, पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, जिला भाजपा अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, नरेंद्र नाटा, सुभाष कुमार सोजतिया, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, देवीलाल धाकड़ के साथ सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से की है। डॉक्टर तोमर एवं श्रीमती तोमर ने बताया कि वर्तमान समय में राजनीतिक व आपसी मतभेद व मनभेद त्याग कर सभी को जिलेवासियों के स्वास्थ्य को लेकर एकजुटता के स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए अपनी ताकत व ऊर्जा लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। यहां पर चिकित्सकों विशेषज्ञों के एक तिहाई से ज़्यादा पद रिक्त हैं। पिछले एक वर्ष से एक ही दल लगातार कोरोना मरीजों के उपचार में व अन्य बीमारियों के उपचार में लगा हुआ है। इसके रिलीवर के रूप में एक वर्ष से अधिक कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। डॉक्टर तोमर ने कहा कि सीटी स्कैन मशीन का ऑर्डर दिए एक वर्ष से भी अधिक समय होने के बाद आज तक नहीं लग पा रही है। इसी प्रकार ऑक्सीजन यूनिट बनकर तैयार है, लेकिन मशीन ऑर्डर के बाद भी आज तक नहीं लगाई जा पा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण उपचार में भारी परेशानियां हो रही हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडरों में भी सप्लाई समय पर नहीं होने से भारी असुविधा हो रही है। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प एवं सीईओ जिला पंचायत ऋषभ गुप्ता के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम बहुत ही सक्रियता से लगी हुई है। पर अगर इस अभियान में हम सब भी जुट जाएंगे सामूहिक रूप से तो परिणाम जल्दी और अच्छे आएंगे। डॉक्टर तोमर व श्रीमती तोमर ने कहा कि अगर हम सब राजनीतिक दल व सामाजिक संगठन के लोग जिला प्रशासन के साथ मिलकर इन व्यवस्थाओं के सुधार व संसाधन जुटाने के लिए कार्य करेंगे तो मंदसौर का इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय कोरोना संकट से जंग जीतने में सफल होगा। सभी को सकारात्मकता के साथ सक्रिय पहल करनी चाहिए। लगातार खबरों की जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर।